नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मनीष, आपका अपना कॉइन मैन। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले 10 रुपए के मोर वाले नोट के बारे में। ये जो 10 रुपए का मोर वाला नोट है, ये पर्सनली डिजाइन बस मेरा फेवरेट है 10 रुपए में। मुझे इसका पर्टिकुलर डिजाइन बहुत ज्यादा पसंद है, बिकॉज ये इतना कलरफुल है, इतना अट्रैक्टिव है कि ये कलेक्ट करने का अपना अलग ही मजा है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 रुपए के मोर वाले इशू में, यानी कि जो पीकॉक इशू आता है हमारा, उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा एरर दिखाने वाला हूँ जिसकी आज बहुत हाई वैल्यू है। तो चलिए दिखाता हूं आपको वो नोट कौन सा है। सब्सक्राइब करें द कॉइन मैन चैनल को और दबा दीजिए बेल बटन। बेल बटन दबाते ही सिलेक्ट कर दीजिए ऑल, ताकि आपको आ सके हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे पड़ा हुआ है 10 रुपए का एक नोट, पीकॉक इशू का ये नोट है। और मैक्सिमम आप सबके पास ये नोट पड़ा होगा, मगर इस नोट में है बहुत ही ब्यूटीफुल एरर, और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि मैं आपको एरर दिखा सकूं और इसकी वैल्यूएशन बता सकूं। तो ये जो नोट है दोस्तों, 10 रुपए का मेरे कलेक्शन का है, जो मैं नहीं बेचने वाला हूं, कभी नहीं बेचने वाला, क्योंकि मुझे ये पर्टिकुलर एरर बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इस इशू में एरर्स बहुत कम आते हैं। और अगर आपको इस इशू में एरर मिलता है तो मैं उसका बायर भी हूँ। और कंडीशन देखिए दोस्तों, कोई फोल्ड नहीं है, खाली जो पिंक के इधर मार्क्स है वो है थोड़े से, और कंडीशन इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये देखिए सिक्योरिटी थ्रेड भी आपको क्लियरली दिख रहा है, और अशोकन चक्र का भी जो लोगो है यहाँ पे वो आपको क्लियरली दिख रहा है वाटर मार्क में। और ये आर एन मल्होत्रा का सिग्नेचर का 10 रुपए का नोट है, और ये जो नोट है मुझे डिज़ाइन वाइज सबसे ज़्यादा पसंद है। ये मेरा फेवरेट नोट है 10 रुपए में, क्योंकि इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है बहुत ब्यूटीफुल था, जो पीछे का डिज़ाइन है पिकॉक का वो भी बहुत ब्यूटीफुल है। तो जो मोर इसके पीछे है, जो पिकॉक का डिज़ाइन है इसके पीछे, इस नोट में एरर उसी के रिलेटेड है, एग्जैक्टली उसके रिलेटेड नहीं है, मगर उसी पार्ट पे है, जो पिकॉक वाला साइड है, जो मोर वाला साइड है, उसी के साइड पे एरर है 10 रुपए पे। तो अब हम इसे टर्न करेंगे ताकि आप वो एरर देख सके। हालांकि ये एरर ऐसे कॉमन है, लेकिन इस पर्टिकुलर इशू में उस एरर की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। और ये देखिए, तो आप इमेज देखकर समझ ही गए होंगे कि ये एरर कौन सा है, ये एरर क्या है। बेसिकली ये है एक वेट इंक ट्रांसफर एरर। कोई एक शीट जो इसके पीछे थी वो गिल्ली रह गई रहेगी, जिसके कारण जो सेकेंड लेयर की प्रिंटिंग है उसका इम्प्रेशन हम इसके बैक पे देख पा रहे हैं। आप देखिए, फर्स्ट लेयर का जो इम्प्रेशन है वो नहीं आया है, लेकिन जो सेकेंड लेयर का इम्प्रेशन है वो डेफिनेटली इसके बैक पे आया है। और ये इसकी वैल्यू इतनी हाई इसलिए है क्योंकि जो कंडीशन है वो UNC है, यूज्ड में इसकी वैल्यू इतनी नहीं रहेगी। मैं इसकी जो वैल्यूएशन है दोस्तों, लगभग 3,500 रुपये के आसपास पकड़ रहा हूँ एक सिंगल नोट की, 3,500 रुपीज़, क्योंकि ये नोट UNC कंडीशन में है। लो कंडीशन में इसकी वैल्यू काफ़ी लो हो जाती है, और इतने हाई ग्रेड में ऐसे एरर्स देखने नहीं मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 रुपये लिखे हुए हैं, और यहाँ पे लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, और प्रॉमिसरी नोट है आई प्रॉमिस टू पे द बेरर 10 रुपीज़ का, वो लिखा हुआ है। आर एन मल्होत्रा का सिग्नेचर है यहाँ पे, देखिए क्लियरली इतना क्लियर इंप्रेशन जल्दी से देखने नहीं मिलता है। एंड यहाँ पे देखिए, वो सेम चीज़ें जो हम पीछे देख पा रहे थे, वो सेम की सेम चीज़ें आगे भी है, लेकिन पीछे जो आप देख रहे हैं वो रिवर्स में देख रहे हैं, आगे जो देख रहे हैं आप सीधा देख रहे हैं, क्योंकि वेटिंग ट्रांसफर जब भी होता है तभी वो रिवर्स में ही होता है। हालांकि ऐसे टाइप के एरर्स हमें जनरली देखने मिल जाते हैं नए इश्यूज़ में भी, लेकिन जो पुराने इश्यूज़ रहते हैं उसमें उसका इम्पैक्ट अलग रहता है, क्योंकि वो बहुत कम नोट प्रिजर्व हुए थे उस टाइम पे, कलेक्टर्स कम थे, जिसके कारण बहुत कम नोट अच्छे कंडीशन में प्रिजर्व हुए हैं। तो ऐसे नोट्स की जो वैल्यू है हमेशा हाई रहेगी और हमेशा अच्छी रहेगी। तो ये था हमारा आज का वीडियो 10 रुपये के 2 पिकअप वाले नोट पे, या फिर जिसे हम कहते हैं 2 मोर वाले नोट पे, जिसमें एक बहुत ही सुनहरा एरर है और मैंने आपको ये एरर दिखाया है। और इस नोट की इतनी हाई वैल्यू है कॉज ऑफ द कंडीशन, अगर कंडीशन लो रहेगी तो आपको उसकी उतनी हाई वैल्यू नहीं मिलेगी। जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन था वेट इंक ट्रांसफर का, लेकिन ऐसे में बहुत सारे फेक नोट्स भी आते हैं, तो आपको अगर वेरीफाई कराना है तो आप उससे वेरीफाई करा सकते हैं। बहुत सारे फेक और फॉर्जरी नोट बेटिंग ट्रांसफर में एग्जिस्ट करते हैं, तो आपको थोड़ा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा खरीदने से पहले, और हमेशा खरीदने के टाइम पे एक रेप्यूटेड या अच्छे डीलर से ही खरीदे, जो आपको लाइफ टाइम बायबैक की गारंटी देता हो। आप अगर मेरे से कोई भी कॉइन या नोट खरीद रहे हैं तो जेन्युइननेस की आपको लाइफ टाइम की गारंटी है, कभी भी आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, आपको मेरा आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।